सबसे पहले तो ये कहिए कि जो भी कुछ कल हुआ सर, आपने इसकी मजम्मत की, लेकिन साथ ही आपने अपनी फुप्पो पर इल्जाम लगाया कि वो पुलिस एहलकारों को घर में दाखिल होने का कह रही थी। आपकी फुप्पो घरों घर में दाखिल होने का कह रही थी, ये क्या माजरा है सर? मेरा ख्याल है जी वो पहले प्रजराज साहब के घर गए, तो वहाँ पे जब वो उनको नहीं मिले तो वो मजीद तलाशी करने के लिए शायद आगे बढ़े हों, जिसके बाद उन्होंने उन्हें कहा कि जी आप इस तरफ आ जाएं, मैं आपको बताती हूँ प्रजराज साहब कहाँ पे हैं। तो वो उनको इस तरफ ले आई चौधरी शुजात साहब के घर की तरफ और कहा कि यहाँ अंदर छुपे हुए, और मुझे कहा कि दरवाजा खोलो। मैंने कहा जी मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, चाहे यहाँ पे जो मर्जी हो, मेरे वालिद और वालदा यहाँ मौजूद है। लेकिन वो उनको पुलिस वालों को कन्विंस करती रही कि नहीं यहीं पे मौजूद है। साथ में प्रजराज साहब के वकील भी खड़े हुए थे, वो भी तमाशा देख रहे थे, जानते हुए बूझते हुए कि यहाँ पे वो मौजूद नहीं है, सिर्फ एक तमाशा बनाने के लिए, एक मजाक और लोगों के सामने तमस्कर उड़ाने के लिए। उन्होंने कहा जी कि यहीं पे हैं, मौजूद हैं, और आप इसको दरवाजे को तोड़ें। उसके बाद पुलिस वालों ने बस शुरू कर दिया जी दरवाजा तोड़ना। तो उसी हाथापाई के दौरान मेरे हाथों पे भी वो शीशे वगैरह लग गए, और बाद में 7 स्टिचेस भी लगे मुझे। तो ये सारा मामला हुआ जी। सर उन्होंने उन्होंने ऐसा क्यों किया, उससे इन्हें क्या फायदा हुआ है? फुप्पो को आपकी क्यों लेकर आई हैं आपके दरवाजे पर? सियासी तौर पे ऑब्वियसली जी वो प्रजराज साहब को सपोर्ट करती हैं, और पता नहीं अपना भी शायद गुस्सा निकालने के लिए या पता नहीं क्या फैमिली पॉलिटिक्स की वजह से उन्होंने इस चीज का भी लिहाज नहीं किया कि अंदर उनके अपने ही बुजुर्ग चौधरी शुजात साहब आराम फरमा रहे हैं, अंदर मेरी वालदाएं जो पर्दा करती हैं। प्रजराज साहब को डिफेंड करने के लिए वो पुलिस वालों को हमारे घर ले आई कि वो यहाँ मौजूद है। तो मैं समझता हूँ ये फर्ज बनता था मेरा, इसी तरह ही कुछ और भी लोगों को फर्ज बनता है जो बाहर शहर से पार्टी कर रहे हैं, उनको भी चाहिए वापस आए और डिफेंड करें अपने आप को, अपने वालिद को। चौधरी साहब, 14 साल से बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। ये कौन लोग हैं, क्यों नहीं चाहते हैं कि मुजाकरात कामयाब हों और एक एक स्मूथ प्रोसेस आगे बढ़े? मसला सरज है कि वो तो बात, ये जो छलांगे लगा के ये कूद के जो लोग जा रहे थे ये कौन थे भाई? वहां तक तो फुप्पो नहीं आई थी। और ये बड़ा लेम एक्सक्यूज है कि मुझे अखबार से पता चला। आपको तो वजीर दाखिला से इस्तीफा दे देना चाहिए फौरन।